आज मैं आपको हिंद महासागर के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। एक बात जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी है उसका लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। जी हाँ, ये महासागर 4 किलोमीटर गहरा है। आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ, इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जहाज या कोई भी एयरक्राफ्ट करियर इस समुद्र में चींटी के समान है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंद महासागर कितना विशाल है। अब मैं आपको हिंद महासागर से जुड़ा एक रहस्य बताता हूँ। पुराने समय में ग्रीक और फ्रांसीसी इसे पूर्वी महासागर यानी ईस्टर्न ओशियन कहते थे और चीन के लोग इसे पश्चिमी महासागर यानी वेस्टर्न ओशियन कहते थे। इसके अलावा कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई देशों के यात्री और व्यापारी जो भारत घूमने आते थे, वे लोग इसे हिंदू महासागर यानी हिंदू ओशियन के नाम से बुलाया करते थे और इसका वर्णन उन लोगों ने अपनी किताबों में किया है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में इसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का केवल एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, यानी हिंदुस्तान के नाम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। यह महासागर विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में सबसे अधिक गर्म महासागर है। तो अब बात करते हैं कि हिंद महासागर में जाकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। हिंद महासागर में बहने वाली कुछ बड़ी नदियों में सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा है। इसके अलावा विश्व की दो बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में मिलती हैं। ये नदियां 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला से रेत व मिट्टी लाकर समुद्र में डालती है, जिनसे नदियों के मुहाने के आगे महासागर में अनेक टापू बन गए हैं। इसमें अनेक द्वीप ऐसे हैं जो अपनी सुंदरता के कारण पर्यटन का केंद्र बन चुके हैं। हिंद महासागर की धारा मुख्य रूप से मानसून पे आधारित होती है। सरल भाषा में समझाएं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है तो इसका धारा उत्तर की ओर बहने लगेगा। हालांकि ऐसे तो महासागर में पानी एक ही दिशा में बहता है, पर हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में दो बार दिशा बदलता है। गर्मियों में मानसूनी हवाओं के कारण पानी भारत की ओर बहता है और सर्दियों में पानी अफ्रीका की ओर बहने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है, लेकिन ये महासागर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ये दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तक फैला हुआ है। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बता दूँ कि हिंद महासागर दक्षिण में एक तरफ प्रशांत महासागर तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम आज से लगभग 1000 साल पहले उन व्यापारियों ने दिया था जो उस समय भारत से व्यापार करते थे। उस समय भारत के बंदरगाह बड़े उन्नत और विकसित थे। 1960 से 1965 के बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागरीय अभियान IIoE के फलस्वरूप इस महासागर की तली के संबंध में अनेक विलक्षण तथ्य प्रकाश में आए हैं। इस अन्वेषण के दौरान हिंद महासागर के बारे में कई नई जानकारियां मिली हैं। 2000 के दशक के अंत में यह महासागर समुद्री डाकू गतिविधियों का केंद्र बन गया था, लेकिन 2013 आते आते सक्रिय निजी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और विशेष रूप से भारतीय नौसेना के गश्ती की वजह से इस महासागर में समुद्री डाकू गतिविधियों में तेजी से गिरावट आई है। आज के समय में समुद्री परिवहन के लिए, चाहे वो तेल के आयात और निर्यात के लिए हो या कोई अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए,
हिंद महासागर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अगर पूरे विश्व का संख्या निकाले तो 80% परिवहन हिंद महासागर से गुजरते हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंद महासागर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने आपको बताया हिंद महासागर के बारे में। अगर आप प्रशांत महासागर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल ज्ञान की बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करें।